सलाम नमस्ते हेलो केम चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर और सुबह सुबह साढ़े पांच बजे आपके सामने आपके साथ सुबह सुबह हाजिर हो चुका हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके जो वो सुर्खियां जो आपके एग्जामिनेशन में नंबर दिलाएंगी आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के साथ में लेकर के आ चुका हूं तो फटाफट से एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों क्योंकि आपके पीयूष सर इसी चैनल पर पढ़ाते हैं सुबह साढ़े पांच बजे और फिर शाम को छ बजे भी शाम को छ बजे दोस्तों बेस्ट टू हंड्रेड प्लस करंट अफेयर सीरीज चल रही है जिसमें मैं फरवरी का पूरा करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूं बेस्ट 200 यानी केवल चुनिंदा करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे गुड मॉर्निंग सभी लोगों को एक बार शैलेश नीतीश मानवी सुमन खुशी हेमलता मेघना दशरथ शिवानी राहुल सुनीता लक्ष्मी भावना आरजे आ आगे हैं हमारे चैंपियन क्या बात है रवि बहुत वेरी गुड तो सभी लोगों को भैया जिनके नाम ऊपर चले गए हैं उन सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम चलिए पहली पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम यानी कि उस राज्य की भाषा में यह बोला गया है असली वो क्या है बेटी का नाम घर की पहचान है यह योजना किसने शुरू की है घरों की पहचान चेली का नाम चेली मतलब बेटी बेटी का नाम घरों की पहचान ये योजना दोस्तों किसने शुरू की है किसने शुरू की है क्या बात है यहां पे आंसर भी आने लगे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर भी आने लगे हैं और देखते हैं क्या आंसर है इसका आंसर है उत्तराखंड उत्तराखंड आंसर है दोस्तों उत्तराखंड का याद है आपको <coughs> उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना मुख्यमंत्री का पद एक दिन के लिए किसको दे दिया था याद है याद है सृष्टि गोस्वामी को दे दिया गया था ना सृष्टि गोस्वामी को नेशनल गर्ल चाइल्ड के दिन एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का सृष्टि गोस्वामी को बात कर ले उत्तराखंड की तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जिन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैन चुनी है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैन चुनी है वैसे तो राजधानी उत्तराखंड की क्या है दोस्तों देहरादून है क्या है देहरादून है मेरे भाई वहां पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी चलती है नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो यहां देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यही स्थित है यही स्थित है बिल्कुल 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं उत्तराखंड ने किया था दोस्तों यहीं पर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क है केदारनाथ नेशनल पार्क है फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क है दोस्तों बहुत सारे बहुत सारी चीज उत्तराखंड की ही क्रिकेट टीम के जो है कोच चुने गए हैं वसीम जाफर जो रणजी में सबसे ज़्यादा शतक और मैच खेलने वाले प्लेयर थे वो रिटायर हुए वसीम जाफर जी बिल्कुल रोहित किशन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और उत्तराखंड की झांकी को उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है इसकी झांकी को इस बार गणतंत्र दिवस में तीसरा अवार्ड मिला दूसरा अवार्ड त्रिपुरा को मिला पहला अवार्ड यूपी को मिला था गणतंत्र दिवस परेड में चलो लाइकेन पार्क बिल्कुल लाइकेन पार्क भी यही बनाया गया पॉलिनेटर पार्क भी यही बनाया गया बिल्कुल काई वाला पार्क भी यही है कवक वाला पार्क भी यही है बिल्कुल सही अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन बताइए अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव अच्छा अंतरराष्ट्रीय योगा यूनिवर्सिटी वायु कहां पे ओपन किया गया योगा डे हम लोग कब मनाते हैं इक्कीस जून को जब भारत में सर्वाधिक बड़ा दिन होता है सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों इक्कीस जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं यूनाइटेड नेशन ने इसे चुना था 177 देशों ने वोट किया था एक देशों में से अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की बात करें तो पतंजलि के जो हेड है आपके बाबा रामदेव जी के बाल सखा बाल कृष्ण जी उनके जो है सामने वहां पे ऋषिकेश के बहुत सारे मंत्रीगण ने यहां पर ऋषिकेश में दोस्तों कहां पर ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की गई है ऋषिकेश में और ऋषिकेश कहाँ है दोस्तों उत्तराखंड में ही है है ना और उत्तराखंड में हरिद्वार से चुन के आते हैं हमारे भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी रमेश पोखरियाल निशंक जी और इस बार का जो कुंभ है दोस्तों वो हरिद्वार में ही हो रहा है इस बार का जो महाकुंभ मेला है दोस्तों वो हरिद्वार में ही आयोजित हो रहा है ठीक है क्लियर है याद रखिएगा बिल्कुल वेरी गुड कबीर वेरी गुड नोट करते चलिएगा एक से सात मार्च तक दोस्तों एक से सात मार्च 2021 तक जन औषधि दिवस समारोह जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है एक से सात मार्च 2021 तक जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण मेरे दोस्त आयोजित किया जा रहा है फटाफट बताइएगा एक से सात मार्च तक जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है अच्छा जन औषधि केंद्र क्या होता है दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी तो चलती है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी तो चलती है ये क्या होता है दोस्तों जेनरिक दवाओं की दवा की दुकानें होती है फार्मेसी की दुकानें होती हैं जेनरिक दवाओं की दोस्तों जेनरिक दवाओं की जेनरिक मेडिसिन की जेनरिक दवाएं तो क्या, क्या होती है, है? आप कोई डॉक्टर ने दवा लिखी है जो मेडिसिन लिखी है उस पर उसका कमीशन सेट होता है ब्रांड का पैसा होता है वो जो दवा आपको मेडिसिन आपको दस रुपए बीस मिल सकती है वो उसका रेट सौ रुपए डेढ़ सौ दो सौ होता है अगर आप उसी पर्चे को ले जा के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पे ले जाइए जो कि एक मेडिकल स्टोर की दुकान है वहाँ पर ले जाएंगे तो आपको वही चीज दस रुपए बीस रुपए में मिल जाएगा ये जेनेरिक दवाई गरीब लोगों के लिए जिनको बार बार दवा खा के ही जीना है पैसा नहीं है बहुत राम बाड़ दुकानें हैं दोस्तों इसके लिए एक ऐप भी चलता है अगर आपको नहीं पता आपके आसपास मोहल्ले में कौन सी दुकान जन औषधि केंद्र है तो सुगम ऐप से जीपीएस के थ्रू पता चल जाता है कि आपके आसपास ऐसी दुकानें कहां पे अवेलेबल है दोस्तों जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्त सात मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस भी इसी सरकार ने मनाना शुरू किया है तो इसका तीसरा संस्करण मनाया गया दोस्तों इसका तीसरा संस्करण मनाया गया पूरा ये वीक सेलिब्रेट होगा अलग अलग तरीके के चेकअप किए जाएंगे अलग अलग तरीके के ये जो है लोग मदद करेंगे कोरोना के समय में इन्होंने बुजुर्गों को और बीमार लोगों के घर तक जाके मेडिसिन पहुंचाई है मेडिकल स्टोर वालों ने है ना इन मेडिकल स्टोर वालों ने घर तक जा के मेडिसिन पहुंचाई है इसलिए इन मेडिकल स्टोर वालों का लिए ये जो थीम है उसका नाम क्या है? सेवा भी रोजगार भी पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन जनता की सेवा भी कर रहे हैं लोगों की बुजुर्गों की सेवा भी कर रहे हैं सात मार्च को मनाया जाएगा दोस्तों बृहद आयोजन शुरू हो गया एक मार्च से लेकिन इसका सात मार्च को तीसरा जन औषधि दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा अभी एक तारीख से क्या होगा देश भर में एक हजार से अधिक चेकअप शिविर लगाए जाएंगे और चेकअप होगा लोगों का लोगों की जो हेल्थ की जो है बातें होंगी एक तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है दोस्तों आर्कटिक में निगरानी जरूरी है बर्फ की क्या स्थिति है ग्लेशियर की क्या स्थिति है अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ और जहां भी ग्लेशियर टूटा वूटा ना दोस्त तो बहुत गड़बड़ हो जाती है क्या हो जाती है बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे भाई ग्लोबल वार्मिंग इस समय देश की सबसे बड़ी चिंता है आपने 2012 वाली मूवी देखी होगी ग्लेशियर की वजह से तो दोस्तों रशिया ने दोस्तों चिंता व्यक्त की है आर्कटिका की निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है आर्कटिका को इन्हें मॉनिटर करेंगे रूसी अंतर्राष्ट्रीय निगम अंतरिक्ष निगम दोस्तों याद रखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक कौन सा है जापान का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है तो दोस्तों याद रखिए रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है रॉस कॉस्मोस रॉस कॉस मॉस रॉस कॉस मॉस रॉस कॉस मॉस याद रहेगा ना चलिए जैसे कि जापान वाला जाक्सा है जैसे अमेरिका वाला नासा है भारत वाला इसरो है वैसे रशिया वाला रॉस कॉस मॉस है इसने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए सफलतापूर्वक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है आर्कटिका एम नामक सेटेलाइट को अट्ठाईस फरवरी दो को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूस टू पॉइंट वन बी वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया दोस्तों किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया सोयूस टू पॉइंट वन बी कहां पर दोस्तों कजाकिस्तान के बोकोनूर कॉस्मोड्रोम लॉन्च पैड से इसे किया गया अब ये जो है दोस्तों करेगा क्या ये वहां के मौसम विज्ञान को देखेगा जल विज्ञान समस्याओं को देखेगा आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और परिवर्तन की निगरानी भी करेगा अब दोस्तों ये कजाकिस्तान से लॉन्च हुआ है रॉकेट तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल हुआ करती थी पहले अस्ताना हुआ करती थी क्या हुआ करती थी दोस्तों अस्ताना हुआ करती थी लेकिन कजाकिस्तान के एक बड़े ही फेमस राष्ट्रपति जो है जब रिटायर हुए तो उनके नाम पर वहां की जनता ने वहां की उनकी सरकार ने उस राजधानी का नाम रख दिया नूर सुल्तान बहुत पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है नूर सुल्तान कजाकिस्तान अस्ताना था अब है नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों यहां कजाकिस्तान का जिक्र आ गया तो मैंने आप लोग डिटेल में बता दिया अब आ जाते हैं दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड होता है दुनिया में ऑस्कर अवार्ड होता है बड़े अवार्ड बाफ्टा अवार्ड है और एक अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी है गोल्डन गोल्ड अवार्ड दोस्तों 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है यानी विच मूवी हैज वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द सेवेंटी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मेरे दोस्त गोल्डन ग्लोब अवार्ड में यह किसने जीता है फटाफट से बताइएगा दोस्तों, फटाफट से मेरे भाई रोहित किशन कह रहे सर नूर सुल्तान तीस साल तक प्रेसिडेंट रहे थे बिल्कुल तीस साल तक रहे थे फिर अपना बीमारी बीमारी की वजह से उन्होंने दूसरे को गद्दी दे दी अच्छी बात है तीस साल तक कोई रहे तो यार एक युग हो जाता है एक युग हो जाता है क्या दो युग हो जाते हैं समझ रहे हैं? तो दोस्तों अवार्ड किसे मिला है नो no मैडलैंड को मिला है यानी कि बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है मेरे भाई यह मिला है नो मैडलैंड को नो no मैडलैंड को अवार्ड मिला है अगला क्वेश्चन अठहत्तरवे ग्रैंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस एक्टर ने मोशन पिक्चर ड्रामा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता यानी बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर मेल इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे मिला है आंसर होगा चैडविक बोसमैन को मिला है किसे मिला है चैडविक बोसमैन को मिला है मेरे भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड चैडविक बोसमैन को मेरे भाई किस लिए मिला है उनकी मूवी क्या है महारानिस Black bottom, मा ब्लैक बॉटम मारनी ब्लैक बॉटम तो ब्लैक बॉटम के लिए पिक्चर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मेरे भाई ठीक है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं अठहत्तरवे गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता है दोस्तों फिल्म को भी अवार्ड मिल जाता है और टेलीविजन को भी अवार्ड दिया जाता है ठीक है अभी दादा साहेब फाल्के वाला अवार्ड हुआ था ना दादा साहेब फाल्के की पूरी लिस्ट मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई है ना तो बिल्कुल और मैंने आप लोग को दो दिन पढ़ाया था दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है ना तो इसी तरीके से ये गोल्डन ग्लोबल अवॉर्ड ठीक है ठीके? ये इंटरनेशनल अवार्ड है तो यहां पर दोस्तों टेलीविजन सीरीज द क्राउन को जो है बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड मिला है आइए एक बार फिर से मैं आपको पूरा मूवी के साथ बता देता हूं बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा किसे मिला है दोस्तों no को मिला है बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है मोशन पिक्चर में दोस्तों क्लोज़ आओ को मिला है नो मैड लैंड के लिए ठीक है इसके बाद अगर पूछा जाए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा ये किसे मिला है दोस्तों चैडविक बोसमैन को मिला है ब्लैक बॉटम के लिए किसके लिए ब्लैक बॉटम के लिए इसके बाद मेरे भाई बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर देखा जाए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा तो ये एंड्रा डे को मिला है किसे मिला है एंड्रा डे को मिला है क्यों मिला है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट वर्सेज बिली हॉलीडे यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलीडे मूवी के लिए बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एंड्रा डे को जाता है मेरे दोस्त इसके बाद बेस्ट बेस्ट मोशन पिक्चर किस कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर यहाँ ड्रामा कैटेगरी में था ना यहाँ पे कॉमेडी कैटेगरी में म्यूजिकल और कॉमेडी के कैटेगरी में बुराट सबसिक्वेंट मूवी फिल्म को गया है बुराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को ये अवार्ड गया है तो ये इंटरनेशनल मूवी अवार्ड था जो आपके एग्जाम में गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर अवार्ड पाफ्टा अवार्ड ये तो मिलता है जीत मतलब आपके एग्जाम में आ जाता है याद ज्यादा नहीं रखना है बहुत सारे अवार्ड दिए गए होंगे बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट मूवी बस इतना याद रखना है इंटरनेशनल अवार्ड से नेशनल अवार्ड में आपको बहुत कुछ याद रखना होगा है ना जैसे ये बताओ फिल्म फेयर ओ टी अवार्ड में बेस्ट वेब सीरीज किसे मिला था फिल्म फेयर ओ में पाताल लोक को मिला था है ना बेस्ट एक्टर किसे मिला था पाताल लोक के एक्टर जो थे जयदीप अहलावत उन्हें मिला था बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला था सुष्मिता सेन को मिला था आर्या के लिए सुष्मिता सेन को मिला था आर्या के लिए अभी दादा साहेब फालके वाले में बेस्ट वेब सीरीज किसे मिला है मेरे हिसाब से 1992 स्कैम को मिला है ना हर्षद मेहता वाले को बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड जप नाम जप नाम काशीपुर वाले बाबा को मिला है यानी बाबी देवल को आश्रम के लिए मिला है और आ, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ भी सुष्मिता सेन को ही मिला है आर्या के लिए ठीक है फिल्म फेयर ओ अवार्ड में ओटी का फुल फॉर्म अभी पूछ लिया था एग्जाम में बैंक के OTT मतलब ये जो Amazon, है इसे कहते हैं का मतलब होता है दोस्तों टॉप ओ टी टी का मतलब क्या होता है ओवर द टॉप ओवर द टॉप ओवर द टॉप तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म में कॉमेडी सीरीज में बेस्ट जो अवार्ड मिला है वो मिला पंचायत वेब सीरीज को और उसके जो एक्टर है जितेंद्र कुमार उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्रिटिक्स वाला अवार्ड फैमिली मैन वेब सीरीज को मिला था फिल्म फेयर में फिल्म फेयर में और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज तिवारी जी को मिला है तो ये ओ नया नया प्लेटफॉर्म आया है तो इसे याद रखिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा ठीक है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया वार्षिक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है फटाफट बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली ये बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया अच्छा ये कार्बन रेटिंग में भी कार्बन उत्सर्जन में भी ये बेस्ट एयरपोर्ट है फोर प्लस रेटिंग है इसकी दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली वाला है ना कोरोना में भी भारत के सबसे सेफ एयरपोर्ट में आता है दुनिया के सबसे सेफ एयरपोर्ट में दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि दुनिया का सबसे सेफ एयरपोर्ट कौन सा है चांगी एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों सिंगापुर में कहां पे है सिंगापुर में और सिंगापुर को याद रखिएगा हमारा सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किस देश से आता है सिंगापुर से आता है ये याद रखिएगा दोस्तों सबसे ज्यादा एफ किस देश से प्राप्त होता है सिंगापुर से प्राप्त होता है सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है चाइना है दोस्तों अमेरिका को पीछे करके चाइना 77 बिलियन के जो है व्यापार के साथ हमारे पहला ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पे पहुंच गया मेरे दोस्त अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पैंतालीसवा सिविल अकाउंट डे ये किस दिन मनाया जाता है ये जो सिविल अकाउंट डे है मेरे दोस्त एक मार्च को मनाया जाता है फर्स्ट ऑफ मार्च को सिविल अकाउंट डे मनाया जाता है मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने कंपाला में 2021 युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट यानी कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है मेंस सिंगल खिताब जीता है दोस्त किसने जीता है वरुण कपूर ने जीता है तो निम्नलिखित में से किसने कंपाला में 2021 युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है दोस्तों भारत के वरुण कपूर ने जीता है दोस्तों भारत के वरुण कपूर ने पुरुषों में जीता है मेल में जीता है और मालविका बंसोड़ ने फीमेल में जीता है या वुमेन्स कह लो यहां पे मेन और वीमेन कहा जाता है ना मेन और वीमेन कहा जाता है ठीक है ने कंपाला में 2021 में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते वरुण ने पुरुष एकल के फाइनल में अपने हम वतन हम वतन मतलब ये भी इंडिया के ही थे मेरे दोस्त शंकर सामी जी को हराया इन्होंने और मालविका जी भी क्या है ये इंडिया की है ये इंडिया की है इन्होंने भी अपने हम वतन यानी अनुपमा उपाध्याय को हराया यानि पुरुषों में भी दोनों इंडिया के ही थे दोस्तों हम वतन यानी दोनों इंडिया के थे और यहां भी दोनों इंडिया के ही हैं यहां भी दोनों जो हारने वाली हैं जीतने वाली हैं दोनों इंडिया की हैं तो भैया ये देखो गोल्ड भी पक्का सिल्वर भी पक्का गोल्ड भी पक्का सिल्वर भी पक्का अच्छा क्या है भैया बताओ बेस्ट एक्ट्रेस समकर मुथु सामी क्या है जी किस फुटबॉल टीम ने आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता सिल्ड जीता है दोस्तों विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द आईएसएल लीग फुटबॉल विनर सिल्ड ये देखिए फटाफट बताइएगा मुंबई सिटी एफ़सी ने फुटबॉल लीग देखो जीत लिया है आईएसएल क्या जैसे आईपीएल हम लोग के यहाँ पे क्रिकेट का लीग होता है वैसे आईएसएल हमारे यहाँ फुटबॉल का लीग होता है क्या होता है फुटबॉल का लीग होता है फुटबॉल लीग किसने जीता है मेरे दोस्त ये बताइए तो आंसर होगा मुंबई सिटी एफ़सी ने जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है सर इतने पॉइंट कैसे याद करें आप एक में कितने और पॉइंट बता देते हो कबीर कह रहे यही बात आपको याद रखनी है जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं उसको नोट करते चलना है जितना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं उसे नोट करते चलना है ठीक है अच्छा आई से तो बस इतना पूछेगा कौन जीता लेकिन आईपीएल अभी हुआ था दोस्तों इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ तेरह संस्करण हुआ कहाँ पे हुआ यूएई में हुआ दोस्तों यूएई में है ना यानी संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में ये सब जगह आईसीसी का मुख्यालय भी यहीं है आईसीसी का मुख्यालय भी कहाँ है दुबई में ही है और यहीं पर आईपीएल इस बार हुआ है है ना आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दुबई में ही है आईसीसी के हेड अभी कौन चुने गए हैं ग्रेग बार्कले चुने गए हैं पहले तो इंडियन हुआ करते थे अब जो है पहली बार देख रहा हूं मैं बहुत दिनों के बाद एक आ, इधर अंग्रेज लोगों में लोग हुआ है कोई वो है न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के ठीक है क्लियर न्यूजी है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले आईसीसी के हेड हुए आईपीएल की जो है कि स्पॉन्सर कौन थी दोस्तों ड्रीम इलेवन थी कौन थी स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन थी आईपीएल की आईपीएल का विजेता कौन है मुंबई इंडियन है दोस्तों मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन है रोहित शर्मा है ऐसे क्वेश्चन आईपीएल में आईपीएल का जो है इससे पहले कौन सा संस्करण विदेश में हुआ था दूसरा संस्करण इसके पहले विदेश में हुआ था है ना जब ललित मोदी पूरा कराए थे बहुत फेमस हुए थे ललित मोदी कमांडर ऑफ आईपीएल उस समय एक अलग ही क्रेज हुआ करता था है नहीं है कि नहीं मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब स्क्रिप्टेड टू जीरो ट्रम्प ओवर एटीके मोहन बगान दोस्तों एटीके मोहन बगान हार गया जबकि मोहन बगान जो है बंगाल का बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है असली फुटबॉल बंगाली लोग खेलते हैं भारत में और मोहन बगान उनका सबसे पुराना और सबसे फेमस फुटबॉल क्लब है जो फाइनल में जाके हार गया दो जीरो से ये फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ दोस्तों ये भी हमें याद रखना होगा जीएमसी स्टेडियम में हुआ बेम्बोलिम में जीएमसी जी स्टेडियम बेम्बोलिम में हुआ ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल किस स्टेडियम पे हुआ उप विजेता कौन रहा उप विजेता कौन रहा ये भी याद रखेंगे ठीक है क्रिस मॉरिस इस बार के सबसे महंगे प्लेयर बने साउथ अफ्रीका के वेरी गुड क्रिस मॉरिस सबसे महंगे वेरी गुड आईपीएल चौदह को बीबो स्पॉन्सर कर रहा है वेरी गुड प्रणाम प्रणाम पुरोमित जी हाँ कबीर आप वो भी नोट कर लो नोट कर लो ठीक है वैसे मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में दे दूंगा कह रहे मुंबई कह रहे अंबानी ने पैसे दे के जिता दिया होगा हे भगवान निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड राज्य में दोस्तों फटाफट बताइएगा तो आपका आंसर होगा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है उत्तराखंड में है ठीक है मैंने अभी आप लोगों को बताया उत्तराखंड में आपका एक लाइकेन पार्क बनाया है, जो पेड़ों पे काई नहीं जम जाती कवक टाइप का उसका पार्क बनाया है एक जो जमीन पे लाइकेन यानी कि जो का, वो का, काई जम जाती है उसका भी पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में उत्तराखंड में दोस्तों जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है केदारनाथ नेशनल पार्क है फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यहाँ पे याद देखिएगा राजा जी नेशनल पार्क है बहुत सारे नेशनल पार्क है केदारनाथ नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क है बहुत सारे यहाँ पे हमें उत्तराखंड राज्य में नेशनल पार्क मिलते हैं ठीक है क्लियर है चलिए तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां बाकी सब कहा है दोस्तों आपके दिमाग में यह बात आए तो याद रखिएगा नंदौर उत्तराखंड में है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में दोस्तों सूर सरोवर है सूर सरोवर है जिसे हम लोग आ, कीटम लेक कहते हैं इसे अभी रामसर साइट चुना गया कीटम झील को कीटम पक्षी बिहार को आगरा में है दोस्तों इसे रामसर साइट चुना गया क्वेश्चन पूछा है उत्तरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और है उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा कहां है दोस्तों चंद्रप्रभा चंदौली में है जिले में यूपी के और दुधवा लखीमपुर में है एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे टी इंटू टू अवार्ड मिला है टाइगरों की संख्या डबल कर दी इस टाइगर रिजर्व ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसमें पहले करीब सत्ताईस टाइगर थे आज जो है दोस्तों साठ से ऊपर टाइगर हो गए ठीक है इसके बाद अगर बात की जाए इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में तुम्हारा जो है गुंडी नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, पार्क है अन्ना मलाई नेशनल पार्क है मलाई वाले सब मुडू मलाई नेशनल पार्क है मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है ये सब कहाँ पे है दोस्तों तमिलनाडु में ठीक है मुकुर्थी नेशनल पार्क भी है इसके बाद दोस्तों आते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहुत सारे नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क है पैंच नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क है पंचमढ़ी नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क है दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क है और आपका माधव नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है इसके बाद दोस्तों याद करेंगे वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में आपका बल्लभपुर वाइल्डलाइफ सेंचुरी कहाँ पे है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है ठीक है याद रखेंगे बक्सा कहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में है और सुंदर जो है कहाँ पे है सुंदर भी यहीं पर है पश्चिम बंगाल में क्लियर है क्लियर है तो इस तरीके से नेशनल पार्क मैं आप लोगों को ट्रिक से भी याद करा दूंगा एक दिन जी के, आ, मैं लास्ट में जो लेता हूं उसमें आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स जो जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों से डायरेक्ट लिया जाता है उसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो पीसी मोदी है प्रमोद चंद्र मोदी जी है अब दोस्तों सिडबी की बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 लखनऊ हेडक्वार्टर इसके हेड है मोहम्मद मुस्तफा कौन है मोहम्मद मुस्तफा है सेबी दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर उन्नीस में आया और 1992 में इसको संवैधानिक अधिकार मिला रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को शेयर मार्केट को कंपनियों को और अब तो गोल्ड को भी रेगुलेट करेगा दोस्तों अब तो कम्योडिटी मार्केट को भी यही रेगुलेट करता है इसके हेड हैं अजय त्यागी ये नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी इसके बाद करें वो दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को आई थी 12 जुलाई 1982 को आई थी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसके हेड कौन है डॉक्टर जी आर चिंताला डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंताला जी इसके हेड है नाबार्ड के ठीक है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है एचएल दत्तू जस्टिस एचएल दत्तू जी हैं आधार कार्ड जो बनाती है संस्था उसका नाम है यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके प्रमुख कौन है मेरे भाई पंकज कुमार जी हैं कौन है इसके प्रमुख पंकज कुमार जी हैं फिक्की के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई फिक्की के अध्यक्ष फिक्की क्या है उद्योग संगठन है फिक्की के अध्यक्ष कौन है उदय शंकर जी हैं एक और उद्योग संगठन है कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी इसके हेड भी उदय नाम के ही व्यक्ति हैं लेकिन दोस्तों ये उदय कोटक है ये कौन है उदय कोटक है ये जो है डिजनी और स्टार्क से रिलेटेड है उदय शंकर जी दोस्तों ये पहली बार मीडिया के क्षेत्र से कोई जो है किसी उद्योग संगठन के हेड बने हैं वही उदय कोटक जी एशिया के सबसे अमीर बैंकर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक हैं कोटेक महिंद्रा बैंक के मालिक है दोस्तों वहीं पर एक और उद्योग संगठन है मेरे भाई एसो चैम एसो के हेड कौन है एसो चैम के हेड कौन है विनीत अग्रवाल कौन है मेरे भाई विनीत अग्रवाल विनीत अग्रवाल जो है ये चैम के हेड है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बिल्कुल भैया बिल्कुल आप बस ट्रस्ट बना के रखिए हम लोगों ने बैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया अभी आई क्लर्क में देखिए बच्चे बहुत सारे जीए में अटेम्प्ट करके आए एस क्लर्क हो आई क्लर्क हो रीजनल रूरल बैंक में अभी देखिए बच्चों के अलॉटमेंट हुए बैंकों के कितने मैसेज आए हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए आप आरबीआई अटेंडेंट के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करिए बस सुबह साढ़े बजे वाली क्लास और शाम को छह बजे वाली क्लास लेते रहिए दोस्तों स्टैटिक जीके का टाइम आ गया ना बिल्कुल हम लोग का छे बज चुका है स्टैटिक जीके का पूछ लेता है किस खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो बताइए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या मेरे भाई कितनी होती है फटाफट बताइएगा सात होती है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते मेरे भाई सेवन होते हैं ठीक है चलिए अब यहां पे देखते हैं बेस बॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है नौ होती है बेस बॉल में कितनी होती है नौ होती है और नौ किसमें है और नौ किसमें है दोस्तों और नौ किस में है? आपकी खो खो में है तो बेस बॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी हो गए मेरे भाई नौ खिलाड़ी हो गए कितने हो गए नौ खिलाड़ी हो गए इसके बाद दोस्तों रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं पंद्रह खिलाड़ी होते हैं रग्बी में कितने होते हैं पंद्रह खिलाड़ी होते हैं रग्बी गेम में ठीक है क्लियर है क्लियर है चलो वेरी गुड इसके बाद मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे तुम लोग को सही से दिखाई दे इसके दोस्तों पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं चार खिलाड़ी होते हैं पोलो गेम जो होता है उसमें चार खिलाड़ी होते हैं और जो वाटर पोलो खेल होता है मेरे बच्चों उसमें सात खिलाड़ी होते हैं मेरे कलेजो उसमें कितने होते हैं सात खिलाड़ी होते हैं ठीक है क्लियर है मेरे सुग्गा सुग्गी याद रखो सात खिलाड़ी यहां भी है कहां पर है सात खिलाड़ी कबड्डी में जो कि क्वेश्चन था प्रश्न यही था ना कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते तो कबड्डी हो गया वाटर पोलो हो गया यहां क्या हो गया सात सात खिलाड़ी हो गए ठीक है बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो है कि मैं आप लोगों को शाम को छह बजे पढ़ा रहा हूं याद रखिएगा सिक्स मंथ करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूं जिसमें अभी फरवरी का पूरा आप लोगों को मंथली करंट अफेयर दे रहा हूं हॉकी हो गया दोस्तों फुटबॉल हो गया क्रिकेट हो गया ये एक तरीके के गेम हम लोग माने जाते हैं ना हम लोग के लिए ग्यारह 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 खिलाड़ी तीनों में होते हैं ग्यारह ग्यारह और ग्यारह खिलाड़ी क्या होते हैं मेरे भाई तीनों में होते हैं क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों आर आर में भी मैं स्टेटिक जी पढ़ाता हूँ सुबह दस बजे मेन चैनल पे मेन एग्जामपुर चैनल पे दस बजे में स्टैटिक जी के इस पे भी पढ़ाता हूं दोस्तों क्रिकेट में ग्यारह हो गया उसके बाद हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों हैंडबॉल नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं सात खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई वॉलीबॉल में छे खिलाड़ी होते हैं ठीक है छ खिलाड़ी होते हैं टेनिस में सिंगल भी होता है डबल भी होता है दो दो खिलाड़ी भी खेलते हैं सिंगल भी होता है डबल भी होता है ठीक है बास्केटबॉल में दोस्तों पांच खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में एक टीम में पांच खिलाड़ी होते हैं ठीक है बैडमिंटन में दोस्तों एक टीम में एक भी सिंगल भी होता है डबल भी होता है चेस में दोस्तों दो लोग होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग टीम से होते हैं तो एक टीम से एक लोग होते हैं और स्नूकर में भी एक टीम से एक लोग होते हैं ऐसे करके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे क्या करेंगे दोस्तों मेरे याद कर लेंगे इसको ठीक है चलो अगले स्टेटिक जीके पे चलते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल मेरे भाई क्या है किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है बांग्लादेश का हमारे पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आता है याद देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है कबड्डी ही है कबड्डी ही है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों वॉलीबॉल है श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई वॉलीबॉल है ठीक है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है केन बॉल है केन बॉल है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल म्यांमार भी भारत से ही अलग हुआ है बर्मा नाम था अभी वहां तख्ता पलट भी हुआ भूटान का दोस्तों पूछ लिया था भूटान का तो आर्चरी जो है वो भूटान की राष्ट्रीय खेल है पूछ लिया था आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल पे बैठ के धोखा देने वाले लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, हैं। यानी चाइना वाले क्या खेलते हैं मेरे भाई टेबल टेनिस खेलते हैं अफगानिस्तान वाले जो है बुजकशी खेल है इनका राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का क्या है बुजकशी है और मलेशिया का क्या है दोस्तों बैडमिंटन है चलिए बताइए उबेर कप और थॉमस कप थॉमस कप और उबेर कप जो है वो आ, किस गेम से संबंधित है और किस देश से संबंधित है उबेर कप और थॉमस कप कौन सा पुरुषों का है कौन सा महिलाओं का है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्या क्या क्वेश्चन पूछा मैंने उबेर कप और थॉमस कप में पुरुषों का कौन सा है महिलाओं का कौन सा है किस देश का है दोस्तों किस गेम से संबंधित है इसमें तो मैंने कुछ तो हिंट दे दिया है कुछ जो है आपको खुद से बताना है अमेरिका आप देखो अन्य देश में प्रमुख देशों का याद रखो दोस्तों किसका याद रखोगे प्रमुख देशों का याद रखो अन्य देशों में कुछ प्रमुख देशों का याद रखो अमेरिका का क्या है बेसबॉल है दोस्तों अमेरिका का क्या है बेसबॉल है क्लियर है ऑस्ट्रेलिया का क्या है क्रिकेट है इंग्लैंड का क्या है क्रिकेट है रशिया का क्या है दोस्तों फुटबॉल है और ब्राज़ील का क्या है फुटबॉल है और फ्रांस का भी क्या है फुटबॉल है याद रखेगा रशिया ब्राज़ील फ्रांस फुटबॉल और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों तो इन लोग का क्रिकेट है ये लोग भैया यूरोप वाले जो है टिपिकल यूरोप वाले जो है ये फुटबॉल में आगे रहते हैं। जापान का जो खेल है जूडो है दोस्तों और दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है और दक्षिण कोरिया से याद आया साउथ कोरिया की एक मूवी आई थी कौन सी मूवी बताओ पैरासाइट कौन सी मूवी पैरा साइट तो ये पैरासाइट मूवी साउथ कोरिया की ही थी साउथ कोरिया की थी दोस्तों इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला है बाफ्टा अवार्ड भी मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में भी इंटरनेशनल पुरस्कार का अवार्ड मिला है और एशियन फिल्म में भी जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है है ना नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल भी है दोस्तों दुनिया के सातों महाद्वीप की सातों चोटियां को भी याद रखिए अभी एक आईपीएस अधिकारी भारत की आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमारी कौन अपर्णा कुमारी अपर्णा कुमारी जी ने ए, सेवन सबमिट चैलेंज को पूरा किया किसे पूरा किया सेवन समिट चैलेंज को पूरा किया सेवन सबमिट चैलेंज क्या होता है पर्वतारोहियों का वो चैलेंज होता है कि सातों महाद्वीपों की सातों पर्वत चोटियों को चढ़ के दिखाओ सातों महाद्वीपों की सातों पर्वत चोटियों को चढ़ के दिखाओ तो वो कारनामा हमारी आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमारी जी ने करके दिखाया है ये पहली आईपीएस महिला अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है अब वो सातों पर्वत चोटियां कौन-कौन सी हैं ये आपका जानना बड़ा जरूरी है स्टेटिक जीके में ये आपका जानना बहुत जरूरी है तो विश्व का उच्चतम जो है वो एशिया का भी उच्चतम है तो एशिया का याद रखिए उच्चतम पॉइंट कौन सा है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है दोस्तों 88 8848 8848 8848.86 मीटर 0.86 मीटर 8048.86 मीटर 0.86 मीटर दोस्तों याद रखेंगे 0.86 मीटर ठीक है ये दोस्तों 0.86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है दोस्तों याद रखेंगे कि नेपाल ने और चाइना ने मिलकर उसको ऊंचाई नापी है उन्नीस में हमने उस ये वाली ऊंचाई नापी थी अट्ठासी अब चाइना और नेपाल ने मिलकर बताया कि अट्ठासी से छियासी सेंटीमीटर बढ़ गया है अफ्रीकी महाद्वीप का हाईएस्ट पॉइंट माउंट किली मंजारो है दोस्तों तंजानिया में है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट माउंट कोस चुस्को है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है यूरोप का दोस्तों हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट माउंट एल्ब्रुस है रशिया में है मेरे भाई उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत उत्तरी अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों अलास्का है माउंट डेनाली कहते हैं अलास्का में है यूएसए uh, में किस में है अलास्का में है साउथ अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एक्का गुआ है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट विंसफ मैसिफ है कौन सा है मेरे भाई माउंट विंसफ मैसिफ है माउंट विंसफ मैसिफ है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया अब हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उसे तिब्बत में चोमोल गमा कहते हैं और नेपाल वाले क्या कहते सागर माथा कहते अभी एक एग्जाम में पूछा था कि नेपाल वाले जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते सागर का माथा सागर माथा माउंट एनाली को पहले माउंट मैकनिकली के नाम से जाना जाता था दोस्तों ये जो माउंट एनाली है उत्तरी अमेरिका का इसे माउंट मैकनिकली के नाम से जाना जाता था तो कंफ्यूज मत होइएगा हवाई द्वीप में दोस्तों एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम मून केया है यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है करीब दस हजार मीटर ऊंचा है लेकिन समुद्र तल से नहीं इसकी टोटल ऊंचाई इसका अधिकांश भाग समुद्र के अंदर है वरना माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चीज है हमारे पास वो है हवाई में अच्छा अब ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ा गर्त कौन सा है सबसे गहरी खाई कौन सी है तो प्रशांत महासागर की जो गहराई है आ, मरियाना ट्रेंच मरियाना गर्त वो सबसे गहरी पोजीशन है दोस्तों सबसे गहरी पोजीशन है मरियाना ट्रेंच मरियाना गर्त सबसे गर्त देखें गर्त में चले गए मतलब एकदम गहराई में चले गए तो सबसे गहरा पॉइंट हमारा कौन सा है मरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में और सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है जो है माउंट एवरेस्ट है दोस्तों माउंट एवरेस्ट क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार मेरे भाई जिंदाबाद जबरदस्त बहुत बढ़िया अच्छा दोस्तों भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला तो क्यों मिला यह भी आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर देता है कि किस साल में मिला क्यों मिला तो हम थोड़ा सा इनके आविष्कारों पे भी थोड़ा सा बात कर लें कि क्यों मिला सबसे पहले तो 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था पहले भारतीय थे ये है ना 1901 में एक नोबेल की शुरुआत हुई थी और 1913 में इनको मिल गया था इनको मिला था दोस्तों गीतांजलि के लिए इनको क्यों मिला था गीतांजलि के लिए मिला था याद रखेंगे गीतांजलि इनकी काव्य संग्रह है उसके लिए मिला था फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज पूछ लेगा तो 1930 में दिया गया था है ना? अभी हम लोग ने 1928 में इन्होंने सीवी रमन का रमन इफेक्ट का जो है अविष्कार किया था दोस्तों अभी हम लोग उसी अविष्कार के दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं अभी हम लोग ने दो दिन पहले इस दिन को मनाया है नेशनल साइंस डे अभी हम लोग ने मनाया है नेशनल साइंस डे जिस दिन रमन इफेक्ट की जो है वो हुआ था ठीक है इन्हें उन्नीस uh, में भारत रत्न भी दिया गया था और उन्नीस में ही भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी सबसे पहले भारत रत्न विजेता कौन है सरपल्ली राधा कृष्णन जी जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं पाँच अगस्त को मनाते हो ना चलो अब यहां पे सीवी रमन साहब को मिला था रमन इफेक्ट प्रकाश के यानि रमन इफेक्ट की खोज के लिए रमन इफेक्ट की खोज के लिए उसके बाद मेडिसिन में सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला 1968 में किस भारतीय को मिला हरबिंद खुराना जी को मिला हरबिंद खुराना जी को मिला है मेरे भाई क्यों मिला याद देखिएगा क्यों मिला जेनेटिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए जेनेटिक कोड की उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए मिला है मदर टेरेसा को मिला दोस्तों भारत का पहला पीस प्राइज पहला शांति पुरस्कार 1979 में कुष्ठ रोगियों की और बहुत सारे बीमार लोगों की सेवा के लिए मानवीय कार्यों के लिए दोस्तों जिनको उनके घर वाले छोड़ देते थे उनका जाके इलाज करती थी गरीबों की सेवा करती थी इसलिए मिला ठीक है क्लियर है अरे पांच अगस्त बोला पा, अपना ही दे भूल जा रहे हैं हम पांच सितंबर पांच सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और पांच अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है हे भगवान देख रहे हो अपना ही दिन हम भूल जा रहे हैं टीचर्स डे पाँच सितंबर को क्या मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे और पांच अक्टूबर को क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे ठीक है क्लियर है चलो <laughs> <laughs> क्या हो गया है आ? तुम लोग तो कुछ, कुछ मनाते नहीं हो मेरा टीचर्स डे तो हम क्या करें भूलेंगे नहीं एस चंद्रशेखर जी को 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें मिला था इन्होंने क्या की थी सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए स्पेस वाला जो अवार्ड मिलता है ना वो फिजिक्स में ही मिलता है फिजिक्स की कैटेगरी में दिया जाता है जैसे इस बार ब्लैक होल के खोज वालों को दिया गया था रोजर पेनरोज एंड्रिया गेंजेल इन लोगों को दिया गया था ठीक है क्लियर है बिल्कुल इस बार का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज मिला है इस साल का तो बिल्कुल भाई उन्होंने इतना लोगों को भोजन कराया सौ मिलियन लोगों को 2019 में उनको तो मिलना ही चाहिए अर्थशास्त्र में दोस्तों ये जो पहले भारतीय थे जिन्हें 1998 में जीडीपी और वेलफेयर का सिद्धांत देने के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए कि ऐसा इकोनॉमी हो जो कि जनता गरीबों के काम आए ऐसी इकोनॉमी हो जो वेलफेयर इकोनॉमी हो ऐसी इकोनॉमी ना हो कि अंबानी अडानी ही अमीर हुए जा रहे हैं और गरीब और गरीब हुए जा रहा है ऐसा ना हो कि स्पेंसर फ्लिपकार्ट एमेजोन और बिग बाज़ार की बिक्री बढ़ रही हो गरीब लोगों के दुकानों पे बहुनी भी ना हो रही हो ऐसा इकोनॉमी नहीं होना चाहिए तो इन्होंने कहा था जब तक इन रहेगी तो जीडीपी बढ़ने से कोई देश खुशहाल नहीं होगा इक्विलिटी के साथ जीडीपी बढ़ाओगे तब वो देश खुशहाल बनेगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ करो इसीलिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य इंक्लूसिव ग्रोथ था दोस्तों ठीक है वेंकट रमन जी को केमिस्ट्री का पहले भारतीय थे पहले भारतीय जिनको 2009 में जाकर के किसी को केमिस्ट्री के फील्ड में किसी भारतीय को अवार्ड मिलता है वो है वेंकट रमन रामकृष्णन राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया किसका बर्थडे है वंदना का वेरी गुड बहुत बढ़िया कबीर कह रहे सर पूरे वर्ड हिंदी में आप बोलते तो समझ नहीं आता थोड़ा इंग्लिश में भी कुछ वर्ड बता दिया करें अच्छा ठीक है वेरी गुड इस बार का जो इकोनॉमिक्स का प्राइस दिया गया बिल्कुल प्रतीक भी आ गए बहुत बढ़िया पिलग्र पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया उनके नीलामी सिद्धांत के लिए क्यों दिया गया उनके नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया ठीक है चलो बहुत बढ़िया इस बार का केमिस्ट्री का क्यों दिया गया केमिस्ट्री का क्यों दिया गया बताओ जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया सॉरी हिपोटाइट अरे यार फिजिक्स वाला इसके लिए दिया गया ब्लैक होल के लिए दिया गया हिपेटाइटिस सी के लिए दिया गया हिपेटाइटिस सी के लिए दिया गया <coughs> इनके अलावा 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडियार्ड किपलिंग रुडियार्ड किपलिंग और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस इन लोगों का है विदेशी लेकिन इन लोगों का जन्म भारत में हुआ है और इन्हें भी नोबेल प्राइज प्राप्त हो चुका है इन्हें भी नोबेल प्राइज प्राप्त हो चुका है दोस्तों ठीक है क्लियर है 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वी एस नायपॉल वी एस नायपॉल जो त्रिनिदाद और टोबैको में पैदा हुए थे ये एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और वी एस जी वी एस जी याद रखिएगा वी एस नायपॉल जी कौन थे वीएस जी कौन थे मेरे दोस्त तो याद रखना है कि वीएस एस जी एकमात्र ऐसे भारतीय हैं या भारतीय है मूल के हैं जिन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है जिन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है केमिस्ट्री में जीनोम एडिटिंग केमिस्ट्री में जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था जेनिफर दौड़ना को और चार पेंटियर को और हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किसमें दिया गया था मेडिसिन में वेरी गुड वेरी गुड हिपेटाइटिस सी का मेडिसिन के लिए और जीनोम एडिटिंग का केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल वायरस वायरस इतना रहा है पूरे आ, साल भर पूरे साल भर कि हमें याद रखना है हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज व करने वालों को है कोरोना वायरस की खोज करने वाले को बेचारे चाइना वाले मार डाले थे चलो कम से कम हेपेटाइटिस सी की खोज करने वालों को नोबल प्राइज तो मिला तो दोस्तों इसके बाद कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा किस देश का स्थापना दिवस कब है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है किस राज्य का स्थापना दिवस कब है और बहुत सारे स्टडीज जी के कल यहाँ से आगे से हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे आज समय की मर्यादा है पाँच मिनट बाद आपकी एडिटोरियल की क्लास शुरू हो जाएगी तो इसलिए दोस्तों अभी यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे साढ़े पाँच से साढ़े छः आपका करेंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके की इस शानदार क्लास में शाम को छः बजे सिक्स मंथ करेंट अफेयर में आना मत भूलिएगा जहां पर मैं इस समय फरवरी के मोस्ट मंथली करंट अफेयर करा रहा हूँ फरवरी का मंथली करंट अफेयर करा रहा हूँ शाम को छः बजे सेम इसी क्लास में आप लोग को आ जाना है बिल्कुल भाई इंग्लिश भी यूज़ कर लेंगे इंग्लिश में मैं लिख के तो लाता ही हूँ इंग्लिश भी मैं यूज़ कर लूंगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त बस इतना कर देना कि अपने पीयूष सर को वायरल कर दो इस शो को आप लोगों ने जो प्रसिद्धि दे रहे हो जिस तरीके से इस छोटे से चैनल पर आप लोग प्यार बरसाते जा रहे हो और आगे बढ़ाते जा रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाओ मेरे भाई ऐसे ही आप अपने पीयूष सर को वायरल कर डालो ठीक है थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद आपका दिन शुभ हो खुश हो सफलता अर्जित करे हैव नाइस डे थैंक यू सो मच